स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री, राकेश यादव क्लास नोट्स, क्वेश्चन नंबर 33। यहां से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वो है सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस, समरूप एवं सर्वांगसम। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस के अंदर कॉन्ग्रुएंस हमारे इतना काम का नहीं है, सिमिलर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर के ऊपर है। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करवा सकता हूं, लेकिन पहले समझाना तो पड़ेगा सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो समझिए, आप सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस को देख लीजिएगा एक बार। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस, पहले इन दोनों में फर्क समझ लें। भाई हमें सिमिलर को समझना है, ये बात समझ में आती है, लेकिन सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना। हिंदी में अगर सिमिलर को मैं कहूं तो वो समरूप कह सकता हूं, और कॉन्ग्रुएंस को कहना हो तो सर्वांगसम कह सकता हूं। एक समरूप है और दूसरा सर्वांगसम, क्या डिफरेंस है समझ लो। ये पहला ट्राइंगल, 3, 4, 5 तीनों साइड्स लिख दी। ट्राइंगल के यहां पर वर्टेक्स लिखूंगा ए बी सी, तो बहुत ज्यादा बार लिखना पड़ जाएगा। मैं पूरे ट्राइंगल को नाम ही ए दे दिया, यहां पूरे ट्राइंगल का नाम ही मैंने बी दे दिया है। एक तीसरा ट्राइंगल है जिसका साइड 6, 8 और 10। एक और ट्राइंगल है 5, 12 और 30। सबसे बड़ी बात है चारों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस समझाने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की मदद लेनी पड़ेगी, नहीं। मैं तो जस्ट ऐसे ही ट्राइंगल बना दिए हैं, पर चारों ट्राइंगल देखो राइट एंगल ट्राइंगल के रूप में आ रहे हैं। पर हम समझते हैं सिमिलर क्या है और कॉन्ग्रुएंस क्या है। देखो मैं पहले आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझाता हूं। हम कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस उस चीज को कहा जाता है जो एग्जैक्ट फोटोकॉपी के रूप में हो। मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी का मतलब आप पता नहीं लगा सके कि फोटोकॉपी कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है, इस तरह फोटोकॉपी हो, राइट। जैसे कि आप समझें कि आपने एक पेन का, मतलब एक सिंगल पेन नहीं खरीदा, पेन का पूरा पैकेट परचेस किया, उसके अंदर सपोज 5 पेन्स आए, अब पांचों एक तरीके के हैं, क्या आप उन पांचों में कोई डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? एट अ टाइम जब आपने पांचों पेन बाहर निकाले, क्या पांचों पेन में कोई भी फर्क था क्या? नहीं था। तो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। चलिए अब बात करते हैं सिमिलर की। आपने सबने कंप्यूटर चलाया होगा, कंप्यूटर में फोटोज को देखा होगा, वॉलपेपर्स को देखा होगा, और वॉलपेपर्स जो अच्छे लगते हैं हम उनको जूम इन और जूम आउट करते हैं। अब आप जब जूम इन एंड जूम आउट करते हैं, सपोज आप कार का वॉलपेपर देख रहे हैं, आपने उसको जूम इन किया, जूम इन का मतलब हो गया इंटू 2x इंटू 4x इंटू 3x से लिखा हुआ आता होगा। इंटू 2x का मतलब है जो भी विड्थ थी, लेंथ थी, वो सब चीज 2 टाइम्स हो गई। इंटू 2x का मतलब ये होता है, राइट। तो आपने जब जूम इन किया इंटू 2x पे गए, तो क्या हुआ होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, आपने नॉर्मल जूम इन किया पूरी फोटो को, पूरी फोटो को जूम इन करने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल है, कार के चक्के ही के साइज तो दोगुना हो गई, लेकिन कार के जो ग्लासेस दिख रहे थे और कार का और भी जो ऊपर पोर्शन दिख रहा था वो 2 टाइम्स नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ व्हील्स 2 टाइम्स हुए, नॉट पॉसिबल। अपन को पहले वॉलपेपर में कार की जो भी इमेज दिख रही थी, जो भी साइड अपन को दिख रही थी, अगर आप 2x करते हो, अगर आप जूम इन करते हो, तो वो जितना गुना हुआ होगा हर चीज उतने गुना हुई होगी। मतलब आपने 2x किया है तो कार में जो भी चीज दिख रही होगी वो एग्जैक्ट जस्ट डबल साइज होकर के आपको दिखेगी, राइट। ये होता है सिमिलर। इन दोनों के अलावा जो कंडीशन आता है ना, तो वो सिमिलर में है ना वो कॉन्ग्रुएंस में। अपने मैक्सिमम टाइम सिमिलर काम आता है, सर्वांगसम काम नहीं आता। जैसे इन दोनों के अंदर देखता हूं तो सर्वांगसम ए और बी है। अब आपको सर लेफ्ट साइड में 3 है वो तो राइट साइड में, तो फर्क निकाल दूंगा कि इसके राइट साइड में 3 है, इसके लेफ्ट साइड में 3 है।
मैंने आपको पेन के पाउच का एग्जांपल दिया था ना, कि एक पाउच में पांच पेन है, उस वो एक ही कंपनी का पैकेट है, पांच पेन है, पांचों पेन निकाले आपस में बराबर होंगे, फर्क कर पाओगे? अब एक पेन सीधा पड़ा और दूसरा पेन उल्टा पड़ा, तो क्या फर्क कर लिया? क्या दोनों पेन अलग अलग हो गए? जब उस पेन को सीधा कर दोगे तो कोई फर्क हो पाएगा कभी? नहीं, ये डिफरेंस थोड़ी ना होता है। तो सेम चीज है, इसको मैंने ऐसे करके रख दिया, ऐसे उल्टा करके रख दिया, तो क्या कोई फर्क हो गया, इन आपस में कोई डिफरेंस हो गया? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है। मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी और बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ए, व्हाटएवर, मतलब आप कुछ भी कहें, ए बी के सर्वांग सम है या बी ए के सर्वांग सम है, मतलब ए और बी आपस में एग्जैक्ट इक्वल है। अब बात करते हैं सिमिलर के, सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैंने नॉर्मल भाषा में आपको सिमिलर समझा दिया था, जूम इन एंड जूम आउट, राइट। अब यहां पर समझिएगा, जैसे ए को सी से देखिए, थ्री वाला सिक्स हो गया, फोर वाला एट हो गया, फाइव वाला टेन हो गया, मतलब एग्जैक्ट चीज टू टाइम्स हुई या नहीं हुई? मान लो मैं इस ट्राइंगल को मैं अपने कंप्यूटर में देख रहा हूं और मैंने अपने माउस से इसको टू टाइम्स किया, अब मैंने अपने माउस से इसको टू टाइम्स किया जूम इन करके, तो वो कुछ ऐसा ही शो होगा, सिक्स एट और टेन, क्या मैं सही हूं? कुछ गलत तो नहीं? मैंने कुछ छेड़खानी करी क्या इसके अंदर? नहीं करी, मैंने सिर्फ जूम इन किया और वो सारा एज इट इज आ गया। तो ये आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सर अब एक कंफ्यूजन है, क्या बी और सी सिमिलर होंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कह दिया कि ए और बी आपस में बराबर है, ए और बी में कोई फर्क ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ए सी के सिमिलर होगा तो बी नहीं होगा? ये सर इसमें कहां होगा, इसमें तो फोर का सिक्स हुआ, थ्री का एट हुआ, फाइव का टेन हुआ, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं देखा जाता, ऐसा नहीं देखते। आप ये समझो, थ्री का यहां से सिक्स हुआ है, फोर का यहां से एट हुआ है और फाइव का यहां से टेन हुआ है। सर हमें कैसे पता चलेगा किस भुजा को किससे कंपेयर करना है? यहां से एक लॉजिक उठता है। हमें कैसे पता चलेगा किस साइड को किस साइड से कंपेयर करना है, तब हम सिमिलर की जांच कर पाए कि ये सिमिलर है या नहीं है, वह मैं भी बता दूंगा डिटेल के अंदर, राइट। अब बात करते हैं इसकी, क्या होता है जनरली, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो पहली बात तो हमें लगता है सर्वांगसम है क्या? सारे राइट एंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं? नहीं। यहां कॉन्ग्रुएंस अगर वर्ड आपके दिमाग में जाता है, उसका एक ही मीनिंग है, साइड साइड साइड, मतलब इसकी तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, वैसी की वैसी तीन भुजाएं किसी और की भी होनी चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंस है। इस साइड 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 के और भी बहुत सारे नियम है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड भी हमें यही शो करता है कि तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी अगर साइड एंगल साइड वाला नियम लागू होगा। फिर एक आता है एंगल साइड एंगल, देन आता है एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 इज नॉट अ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, एंगल 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 जो कंडीशन है वो कॉन्ग्रुएंस की नहीं है, वो सिमिलर की है, पर हमारे अभी इतना काम में आने वाला नहीं है, हमें फोकस कहां करना है, समरूप पे करना है, राइट। अब एक थोड़ा सा साइन की बात कर लेते हैं। सिमिलर मैंने कहा कि ए सिमिलर है सी के, सिमिलर का साइन ये होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भले ही हो, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, नहीं हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है ये सर्वांगसम नहीं है। सिमिलर के रेस्पेक्ट में आपकी कोई साइड, जैसे फोर टू फाइव किया, कितना टाइम्स, फाइव बाई फोर, तो बाकी को भी फाइव बाई फोर टाइम्स करके देख लीजिए, क्या ये साइड बनती है क्या? अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो सिमिलर भी नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस के साइन की। देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, एग्जैक्ट इक्वल होगा। अब जो चीज एग्जैक्ट इक्वल है वो वन टाइम्स होगी या नहीं होगी? देखो हमने कहा कि ये टू टाइम्स हो रहा है तो सिमिलर है, थ्री टाइम्स होता है तो सिमिलर है, 1.5 टाइम्स होगा तो सिमिलर है, 1.8 टाइम्स होगा तो सिमिलर है, 8 बाई 9 टाइम्स होगा तो भी सिमिलर है, मतलब जरूरी नहीं 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 8 बाई 9 टाइम्स इज आल्सो सिमिलर, मतलब साइड्स का रेशियो सेम रहना चाहिए। लेकिन ये जब सर्वांगसम होते हैं तो साइड्स का रेशियो 1 होता है, मतलब 1 टाइम्स है तो सिमिलर तो होगा ही, तो जो भी सारे सर्वांगसम है वो समरूप तो होंगे, ऑल कॉन्ग्रुएंस आर सिमिलर, बट नॉट ऑल सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंस, पर हर समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, हर सर्वांगसम समरूप होगा लेकिन हर समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, फिलहाल हर सर्वांगसम समरूप होता है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस का साइन
ये होता है कि ये बराबर भी है और सिमिलर भी है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन हो गया। चलिए अब सिमिलर को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, सिमिलर चीज क्या है। देखिए आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेरे को बहुत बार कमेंट भी मिला कि सर थोड़ा एक बार साइड में हो जाने कर हमें लिखना होता है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, पॉज करके मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सिमिलर के रूप में, सिमिलर को पढ़ते हैं। सिमिलर अपन को समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए हमें सबसे पहले सिमिलर को पहचानना कैसे है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कैसे। चलिए उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। 3, 4, 5, 6, 8, 10 अभी आप सिमिलर पहचानिए मत, मैं खुद कह रहा हूं। आपको डायग्राम से दिख रहा है ना फिलहाल कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक काम करते हैं, सिमिलर में साइड्स का रेशियो कैसे लिखना है ये बताता हूं। देखो अभी जो बता रहा हूं वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कहूंगा, एकदम शॉर्ट में लिखना है। सिमिलर कैसे पहचानना है सब धीरे धीरे, कड़ियां जुड़ी हुई है। आप सोचते हो कि सर मुझे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा। हम धीरे धीरे जानेंगे और एंड में शॉर्ट ट्रिक तक आएंगे जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम के अंदर भी कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा। अब देखिएगा अगर आपको साइड्स का रेशियो लिखना है तो कैसे लिखा जाता है कि यहां से फर्स्ट टू अल्फाबेट और यहां से फर्स्ट टू अल्फाबेट इनका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। यहां से देखिए लास्ट टू अल्फाबेट और यहां से लास्ट टू अल्फाबेट का रेशियो बी सी अपॉन क्यू। यहां फर्स्ट और लास्ट रहेगी अल्फाबेट में, यहां भी फर्स्ट और लास्ट कॉम्बिनेशन रहेगी अल्फाबेट में, ये रेशियो आपस में बराबर होगा तो सिमिलर है, वरना नहीं। चेक कर लीजिए, ए बी आपने 3 लिखा है अपॉन 6, 5/10, 4/8, क्या सब बराबर आ रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, देन इट इज सिमिलर। चलिए इसी को आगे और समझाता हूं तो चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेगी मैं क्या कह रहा हूं। देखिए एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये भी क्या है, सिमिलर है, याद आ रहा है आपको। अगर ये सिमिलर है क्योंकि भुजाएं दो गुना हो रही है ना, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, लेफ्ट का लेफ्ट से ही देखना है, ये गलत है। तो फिलहाल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देखते हैं ना गलती कहां होती है, पता चलना चाहिए हमको, ठीक है। हमने क्या कहा था, यहां के फर्स्ट टू अल्फाबेट और यहां के फर्स्ट टू अल्फाबेट ए बी अपॉन, यहां के लास्ट टू अल्फाबेट और यहां के लास्ट टू अल्फाबेट, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगी, हमने लिख दिया, राइट? अब ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, 3, पी क्यू कितना है 8, बी सी 5/10 एंड 4/6, क्या ये तीनों आपस में बराबर है क्या? कि सर नहीं है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आपने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये गलत है। आप ये सोचते हो कि हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, तो ये आप बहुत गलत जा रहे हैं। अब मैंने ये क्यों समझाया, ऐसा एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, दो डायग्राम मतलब आपको दिया हुआ है, दो डायग्राम है, एक डायग्राम के अंदर दो ट्राइंगल बन जाते हैं, वो डायग्राम आपको दिया हुआ है और नीचे 4 स्टेटमेंट में पूछा है कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। अब वो देखने के लिए हमें ये अल्फाबेट्स लिखने आने चाहिए। आप सोचते हो ट्रायंगल एबीसी में ए ही पहले लिखा जाएगा, ये आप सिर्फ सोचते हैं। नॉर्मल में आप लिख दीजिए, मना नहीं है, लेकिन जहां अल्फाबेट पहले लिखने से फर्क पड़ता है वहां नहीं लिखा जा सकता, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ गलत है।
सही किया है। आपको पता है 3 का डबल 6 हो रहा है, 4 का डबल 8 हो रहा है, 5 का डबल 10 हो रहा है, मतलब इतना तो कॉन्फिडेंट आप भी हो कि सर ये सिमिलर तो है, चीज सिर्फ डबल नहीं होना है। कहने का मतलब जितना टाइम्स 3 का होता है उतना ही टाइम्स 4 का भी विजिबल है और 5 का भी विजिबल है, मेरे को हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये सिमिलर तो है, अब इसको लिखना कैसे है हमें ये समझना होगा। चलिए समझते हैं, आप क्या करें, एक लाइन चलाएं 3 5 4, समझ रहे हैं ना, यहां से स्टार्ट हुए, पहले 3 कवर हुआ, 5 कवर हुआ, फिर 4 कवर हुआ, तो जब इसका डबल होगा तो क्या कवर होगा, पहले 6 फिर 10 फिर 8, राइट। चलिए पहले लिख लीजिए, आपने जब ट्राइंगल एबीसी लिखा तो पहले 3 5 4 ये कवर हुआ, अब 3 पहले कवर होगा, वहां क्या कवर होना चाहिए 6 के बाद क्या कवर होना चाहिए 10, तो मैं यू नहीं चलूंगा 6 8, मैं यू चलूंगा 6 10 8, 3 5 4 का डबल 6 10 8, ऐसा कुछ नहीं करना है एग्जाम में। मैं बैठा हूं, मैं चीजें बता रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल रहा हूं, धीरे धीरे फिर आपको समझाऊंगा एग्जाम में क्या करना है, चीजें दिमाग में पूरी होनी चाहिए। पी आर क्यू, अब मैं कह रहा हूं इस स्टेटमेंट को लिख कर देख लीजिए, आपके सही आना चाहिए। ए बी तो यहां से क्या होगा पी आर, अगर आप यहां से बी सी लेंगे तो यहां से क्या आएगा आर क्यू, और यहां से आप ए सी लेंगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा पी क्यू। अब यहाँ ए बी है तो ऑटोमेटिकली आप मैच कर लीजिए, ये स्टेटमेंट आपके पास अब रेडी हो चुका है। अब इसमें अगर कहीं भी मिस्टेक है तो देखिए, मतलब ये सिमिलर तो था लेकिन स्टेटमेंट ये वाला करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट लिखना कैसे होता है, साइड्स का रेशियो कैसे बराबर करना है वगैरह सब मेरे पे छोड़ दीजिए, सब ए टू जेड, आप कोई चीज अपने दिमाग में मत रखिए, मैं बैठा हूं सब बताने के लिए। फिलहाल ये समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। समझना थोड़ा पॉइंट मैं जो कहना चाहता हूं, एक डायग्राम के जरिए पूरा सिमिलर आपको समझाता हूं। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के अंदर सिमिलर को लेकर के, कि न जाने कितने क्वेश्चंस सिर्फ इस डायग्राम को लेकर के आ गए हैं, न जाने कितने क्वेश्चंस, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई, डी और ई यहां कोई मिड पॉइंट नहीं है, मैं डी ई को पूरा एक्सप्रेस कर देता हूं, अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो ऐसा कुछ मैंने समझाया था, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसको ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब मैंने बोल दिया कि डी ई बी सी के पैरेलल है, तो यहां पर देखो डी पॉइंट कहां है और ई पॉइंट कहां है, ये भी आपके लैंग्वेज में लिखा आता है कि डी पॉइंट इज ऑन ए बी एंड ई पॉइंट इज ऑन ए सी, नहीं लिखा हुआ आए तो आपको एक चीज और बताता हूं मैथ्स की, अगर फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ है डी ई इज पैरेलल टू बी सी तो डी और बी एक तरफ होंगे, ई और सी एक तरफ होंगे, पैरेलल लिखने का कॉन्सेप्ट है। मैं ई डी इज पैरेलल टू बी सी गलत है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, अगर आप कहीं ए डी और ई पॉइंट कहां पर है ये नहीं लिखा हुआ हो तो यहां से समझ में आ जाता है कि डी और ई पॉइंट कहां होना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा मैं जो समझा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। किसी भी चीज में अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है कि सर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो उनके एंगल तीनों आपस में बराबर होंगे, मैं क्या कह रहा हूं, भुजाओं का अनुपात बदलता है। आप थोड़ा समझिए, ये ट्राइंगल है इसको कितना भी जूम इन एंड जूम आउट कर लो एंगल चेंज नहीं हो सकता, एंगल चेंज नहीं हो सकता, भुजाएं बढ़ सकती है भुजाएं कम हो सकती है, कोण न तो बढ़ता है न कम होता है, एंगल चेंज पता है कब होता है, जब इसको आप हिलाओगे, आप इस भुजा को कितना भी बड़ा कर लो, इस भुजा को कितना भी बड़ा कर लो, ये एंगल कैसे चेंज करेगा, एंगल चेंज करने के लिए मुझे ऐसे हिलाना पड़ेगा, ऐसे में तो क्या एंगल चेंज होगा, समझ रहे हो ना। तो यहां एक चीज समझनी पड़ेगी कि सर मेरे दो ट्राइंगल जो भी होंगे सिमिलर उनके तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर होंगे। अब तीन एंगल में आप एक ट्रिक और लगाओ, किसी भी त्रिभुज के कोई भी ट्राइंगल हो अगर उसके दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरे को बराबर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तो कोई
डिग्री भी नहीं लेना, तो डिग्री लेना हो तो डिग्री से बहुत आसानी समझ में भी आ जाता है, एक 40 और एक यहाँ भी 47। अब दो एंगल बराबर हुए या नहीं हुए इसके, दो एंगल बराबर हो गए दोनों ट्राइंगल के, कुछ भी कर लो क्या आपको समझ में आ रहा है तीसरा कोण एनी हाउ बराबर होना पड़ेगा। चीज समझ में आ रही है ना कि तीसरे कोण को किसी भी तरीके से बराबर होना पड़ेगा। यहां पर भी हमको क्या करना है, तीन एंगल सिमिलर किए कभी नहीं मिला, तीन एंगल बराबर होने चाहिए, लेकिन हम किन्हीं भी ट्राइंगल के दो कोण, जैसे ये पहला ट्राइंगल एडी और दूसरा ट्राइंगल एबीसी, ये दो कोण बराबर है, आपको दिख ही रहा है ना, तीसरा कोण तो ये भी कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी एंगल वही है, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी एंगल वही है, तो बराबर होना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब यहां सिमिलर है तो सर सिमिलर की लैंग्वेज लिखनी है क्या, मैं कह रहा हूं अभी मैं बिना लैंग्वेज लिखे आपको साइड्स का रेशियो कैसे लिखना है ये बताता हूं। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज ये कि मैं इसको लिखे बिना सीधा इस पॉइंट पे आ जाऊं, तो हमें तो वही करना है ना एग्जाम में, ये लिखना है क्या, नहीं लिखना है। ये क्यों बताया, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, चार ऑप्शन पूछे गए हैं, कौन सा वाला सही है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। अब डायरेक्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाता हूं, और डायरेक्ट कैसे लिखना है समझिएगा। देखो आप जब एंगल बराबर करते हो तो अपने मन में मत किया करो ये सिंगल डैश और डबल डैश लगा दिया करो। सिंगल डैश का मतलब है एक ट्राइंगल ये रहा और दूसरा ये रहा, छोटे वाले में ये और ट्राइंगल बड़े वाले में ये एंगल आपस से बराबर है, छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल बराबर है। अब एक दिमाग में चीज बैठा ले, साइड्स का रेशियो लिखते समय या तो सारी भुजाएं छोटे वाले ट्राइंगल के ऊपर रखें या सारी भुजाएं बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर रखें, कभी छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा ऊपर आएगी और कभी बड़े वाले की ऊपर आएगी, ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक के ऊपर आएगी। मान लो मैं छोटे वाले ट्राइंगल की सारी साइड्स को ऊपर लिखता हूं, अब कैसे लिख रहा है, दो एंगल बराबर है ना, इसके सामने वाली भुजा छोटे वाले ट्राइंगल में सिंगल डैश के सामने वाली साइड कौन सी है, ए ही, छोटे वाले ट्राइंगल में सिंगल डैश के सामने वाली साइड कौन सी है, ए, बड़े वाले ट्राइंगल में सिंगल डैश के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी, बराबर। आगे बढ़े, छोटे वाले ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल को ऊपर लिखना है, अभी आपने लिखा है ऊपर लिखा है तो छोटे वाले ट्राइंगल को ही ऊपर लिखना है। अब डबल डैश, छोटे वाले ट्राइंगल में डबल डैश के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए डी, और बड़े वाले ट्राइंगल में डबल डैश के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, बराबर। ये एंगल है कॉमन, इस कॉमन वाले एंगल में छोटे वाले ट्राइंगल के सामने जो भुजा है वो डी ई है और बाद में बी सी है। क्या लिखना आया, ये है सिमिलर, इसको इस तरीके से लिखना होता है सिमिलर। अब सिमिलर के अंदर कुछ चीजें को आप समझिएगा, देखो मैं जो बता रहा हूं अगर वो कॉन्सेप्चुअली समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर याद तो रखनी ही है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं रटवा रहा हूं, मैं तो कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा, मेरी बात को समझिएगा। मैं अगर एक लाइन को समझा दूंगा तो बाकी लाइनें आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत आएगी। जैसे ये ट्राइंगल है, इसको मैं जूम इन करूंगा जैसा कि मैंने पहले कहा, और मान लो टू टाइम्स करता हूं तो सारी भुजाएं टू टाइम्स होगी या नहीं होगी, 100% होगी, जो भी चीज मुझे इस ट्राइंगल के अंदर दिखती है वो टू टाइम्स होगी, एकदम सही बात है। मैं एक ड्रॉ करता हूं मीडियन, इट इज मीडियन, अब मान लो इसका डी नाम दे दिया, डी यहां लिखा हुआ है सपोज, लेकिन मैंने नाम दे दिया एडी इज मीडियन। अगर एडी मीडियन है, इस ट्राइंगल को मैं टू टाइम्स करता हूं तो एडी की लेंथ भी टू टाइम्स होगी या नहीं होगी, 100% होगी, मतलब मीडियन भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगी जिस प्रपोर्शन में साइड बढ़ रही है, मीडियन भी ही उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगी जिस प्रपोर्शन में साइड बढ़ रही है। मीडियन के जैसे दो साइड्स अपन ने और दिमाग लगा रखा है, मतलब और पढ़ रखा है, वो होती है एक तो परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है ए से, वो एडी इज नॉट परपेंडिकुलर, हाफ कर रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब ट्राइंगल को दुगना करता हूं तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा, टू टाइम्स होगा। और अगर यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है एंगल बाइसेक्टर, कौन अर्धक,
वो लाइन भी ड्रॉ कर रखी तो वो लाइन भी क्या होगी, टू टाइम्स होगी। कहने का मतलब साइड्स के रेशियो तो आपस में बराबर होते ही हैं, छोटे वाले ट्रायंगल की मीडियन और बड़े वाले ट्रायंगल की मीडियन का रेशियो भी वही रहेगा जो साइड्स का रेशियो है। छोटे वाले ट्रायंगल की मीडियन और बड़े वाले ट्रायंगल की मीडियन का रेशियो भी वही रहेगा जो साइड्स का रेशियो है। कैसे कैसे? पॉइंट है, मैं मानता हूं ये छोटा ट्रायंगल है, आपने जब इसको जूम इन किया तो ये बड़ा होकर के एबीसी हो गया, तो यहां से जो लाइन ड्रॉ करी थी वो क्या थी, मीडियन थी। जब इसको बड़ा करोगे तो वो लाइन नीचे तक आ जाएगी, तो जितनी साइड को आपने प्रोपोर्शन किया होगा मीडियन भी उतना ही प्रोपोर्शन से आगे बड़ी होगी, तो प्रोपोर्शन बड़ा होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सही बात है ना, रेशियो वही रहना चाहिए। अब पॉइंट ये उठता है कि सर एक ट्रायंगल में तीन मीडियन होती है, थ्री मीडियंस, बड़ा करने के बाद उस ट्रायंगल की भी थ्री मीडियंस होगी, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मीडियन का रेशियो किस मीडियन के साथ लेना होता है? हम मर्जी पड़े जैसे मीडियन का रेशियो नहीं ले सकते। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ए वर्टेक्स से मीडियन निकल रही है तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी उसी वर्टेक्स से मीडियन निकलनी चाहिए जिसका एंगल आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, ए से समझ में नहीं आने वाला, मैं समझाता हूं। सपोज छोटे वाले ट्रायंगल में वर्टेक्स डी से मीडियन निकल रही है तो बड़े वाले ट्रायंगल में वही मीडियन बी से निकली भी काउंट होगी प्रोपोर्शन। क्यों? कि डी और बी एंगल में क्या है, बराबर। जो काम सारी साइड्स डी से ले रहे हो, चाहे मीडियन हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, सबका रेशियो बी वाले से काउंट होगा, ई का सी से काउंट होगा और ए का ए से काउंट होगा। यह आता बहुत कम बार है, लेकिन एक बार भी आ गया तो हमको तो करना पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं आया हुआ नहीं है आज तक, आया हुआ है लेकिन कम बार आता है। और अगेन मैं वही चीज कह रहा हूं, भले ही कम बार आता है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये बात होती है साइड्स के रेशियो की। यहां एक एरिया के रेशियो की बात भी आती है। अब यहां एरिया का रेशियो किस तरह इफेक्ट करता है वो भी हमें समझना तो पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं ट्राइंगल ए डी ई की बात करता हूं, मैं थोड़ा समझा दूंगा तो बेटर रहेगा, या फिर लिख लेते हैं साइड्स को। चलिए कोई नहीं, मैं यूं ही बता दूंगा आपको, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी। मेरे को एक बात बताएं, क्या इस ट्रायंगल का एरिया में हाफ इंटू डीई इंटू एच वन क्या कह सकता हूं, और इसका एरिया हाफ इंटू बीसी इंटू एच टू कह सकता हूं। हाफ इंटू डी इंटू एच वन, H1 हाइट है, हाइट परपेंडिकुलर होती है बेस के, H2 हाइट है जो परपेंडिकुलर है बेस के, दोनों का एरिया का रेशियो यही हुआ। क्या हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, मीडियन का रेशियो, फिर एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, मैंने बता दिया किसी भी वर्टेक्स से निकले आपको किससे कंपेयर करना है, ये भी मैंने समझा दिया, और एक परपेंडिकुलर का रेशियो। परपेंडिकुलर और कुछ नहीं होता, हाइट होती है, ठीक है। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एक बात बताओ, H1 और H2 आपने जो लिए हो क्या हाइट ही तो है। H1 आपने कहा से, D is perpendicular to H1, मतलब यहां से एक H1 काउंट किया, इसी का बेस BC से जो हाइट होगी वो उतनी तो होगी। उतनी ही का मतलब है अगर ये ट्रायंगल टू टाइम्स हुआ है तो हाइट तो टू टाइम्स हुई होगी, और H1 अपॉन H2 का रेशियो वही तो रहा होगा जो DE अपॉन BC का है, जो DE और BC का है, क्योंकि भुजाएं उसी अनुपात में बड़ी होगी जिस अनुपात में हाइट बड़ी है, या फिर हाइट उसी रेशियो में इंक्रीज हुई होगी जिस रेशियो में साइड्स हुई है, राइट। मतलब DE अपॉन BC बराबर H1 अपॉन H2, इसलिए मैं कह सकता हूं DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, मतलब H1 upon H2 वो DE upon BC लिख सकता हूं, तो DE square upon BC square हो गया। मतलब भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होता है वो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को शो करता है। मर्जी पड़े जो मैं भुजाओं का वर्ग नहीं कर सकता, समझना पड़ेगा, मैं मर्जी पड़े जो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर छोटे वाले ट्रायंगल में सिंगल डैश के सामने वाली साइड का स्क्वायर कर रहे हो
तो यहां भी बड़े वाले ट्राइंगल में सिंगल डैश के सामने वाली साइड का स्क्वायर होगा। देख लीजिए DE और BC, ये A कॉमन है, A के सामने वाली साइड DE स्क्वायर, तो यहां BC स्क्वायर। जरूरी नहीं DE स्क्वायर और BC स्क्वायर करे, आप कोई भी ले लो, डबल डैश के सामने वाली साइड AD का स्क्वायर। छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर लिखना है क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर है, और डबल डैश के सामने वाली साइड AB का स्क्वायर। ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट सा कुछ रूप है। यहां चीज समझ में आती है मैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट लिखना कैसे होता है, इनको समझना कैसे है, करना कैसे है। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आएंगे ना, तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये रहा क्वेश्चन, आप चाहे तो लिख सकते हैं। मतलब मैंने देखो, सबसे पहले सिमिलर कॉन्ग्रुएंट के अंदर समझाया था, मेरे ख्याल से लिखने के लिए मैंने हट दिया था, स्पेस दे दिया था, आप स्पेस दबा करके वीडियो पॉज हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं, राइट। यहां पर आप पॉज करके जो भी आपको लिखना हो सिमिलर को लेकर के लिख लीजिए। एंड लास्ट फाइनल मैंने ये स्टेटमेंट लेकर के समझाया था, ये वाला आप देख लीजिए। इसके बाद मैंने ये पूरा समझाया कि किस प्रकार हमें लिखना होता है, बगैर उस लाइन को लिखे हम डायरेक्ट साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। अब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर आते हैं या उस क्वेश्चन पर आते हैं जहां से अपन ने इस पूरे की कहानी को चालू किया था। मेरे से यहाँ एक्स प्लस वाई पूछा गया है, क्या डायग्राम देख करके आपको नहीं लग रहा कि ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर है, क्या सिमिलर प्रूव हो गया वहीं पर ही, और कुछ दिमाग में? ऐसा कुछ सर हम नहीं देख पा रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें सिमिलर कॉन्ग्रुएंस कुछ भी नहीं समझ में आया, कमेंट के जरिए मुझे बताइए, मैं आपको आपका आंसर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो उत्तर मिल सके, वो आंसर, वो रिप्लाई मिल सके जहां से आपकी चीजें सॉल्व हो। फिलहाल थीटा अल्फा और बीटा, ये थीटा अल्फा बीटा जो भी है, तीन एंगल आपस में बराबर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ थीटा ऊपर है और यहाँ थीटा नीचे है। मैंने आपको ये पहले ही कह दिया था, ये आप कभी भी नहीं देखें कि सर यहाँ एंगल यहाँ है और यहाँ एंगल इस तरफ होगा, ये आप तय नहीं करेंगे, ये तो ऐसे घुमा के रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है क्या? अब देखिए तीनों एंगल बराबर है, तो मैंने आपको लिखना कैसे सिखाया, थीटा के सामने वाली साइड्स कौन सी है, ये भी बात छोटे और बड़े की नहीं है। जब एक ही ट्राइंगल के अंदर दो त्रिभुज बने होते हैं तो क्या होता है, हम छोटा और बड़ा कह देते हैं। यहाँ दो अलग अलग ट्राइंगल है ना, अब मैंने इस ट्राइंगल को ऊपर लिख दिया है ना, तो इसे सारी भुजाएं हमेशा ऊपर लिखूंगा, राइट। इस थीटा के सामने कौन सी साइड है, 45। अब अल्फा ले लीजिए, अल्फा के सामने कितना है, 52। वहां अल्फा के सामने कितना है, एक्स। यहाँ बीटा के सामने कितना है, 48। और यहाँ बीटा के सामने कितना है, 72। अब आप बताओ क्या मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा और बाद में इसका इसके साथ कर लूंगा सॉल्व, क्या पहले एक्स निकल जाएगा देन वाई निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? मुझे यहां से सॉल्व करके पहले इन दोनों को सॉल्व करके क्या मुझे एक्स और वाई को बताना पड़ेगा कितना होता है? एक इक्वेशन आपके पास है 52 अपॉन एक्स, 48 अपॉन 72 कितना होता है भाई, 24 × 48 24 क्या बहुत। सेम चीज वाई अपॉन 45 इक्वल टू 2/3, ये भी इसके बराबर हो गया। क्या यहां से एक्स और यहां से वाई निकाल दूंगा मैं? जब एक्स और वाई निकल जाएगा तो एक्स प्लस वाई भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप खुद आंसर निकालेंगे। देखो बहुत छोटी कैलकुलेशन है, जितना पार्ट मुझे समझाना चाहिए उतना मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन जो आपको करना चाहिए वो आप भी करेंगे। ऐसा ना हो कि मैं पूरा आंसर निकालता हूं, आपने आंसर देखा, बुक अगर आपके पास है तो आपने मैच किया, हाँ सर ने कराया एकदम सही कराया, मेरी जांच मत करिए, हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत हो सके, फटाफट बता दियो, मैं अपनी तरफ से गलत कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हो सके बता दियो, आप अपना माइंड एक्टिव जरूर रखना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी, ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब इसको देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि सर ये सिमिलर का क्वेश्चन है। मेरी बात समझे, सिमिलर कैसे है, अभी अपन ने क्वेश्चन किया ना, अपन को लाइन पैरेलल ही गिवन हो ऐसा दिमाग में कभी नहीं रहे कि सर पैरेलल होगा तो ही मेरा ये डायग्राम बनेगा और तो ही सिमिलर आएगा, तो ये कभी नहीं कर पाएंगे अपन फिर क्वेश्चन को। देखो ये लाइन एकदम स्ट्रेट है ना, तो ये एंगल मेरा 63 होगा या नहीं होगा, क्योंकि पूरा एंगल एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री होता है, अगर ये 170 है तो 63 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला एंगल सिंगल डैश कर दो और ये सिंगल डैश बराबर हो गया, ये कॉमन एंगल है डबल डैश कर देता हूं बराबर हो गया,
ठीक है, एक ये एंगल लास्ट बचा, इसको ऐसे रहने दो। देखो सिंगल डैश डबल डैश तक ठीक है, ट्रिपल डैश कभी नहीं करना, क्योंकि ये एंगल कॉमन, मतलब ये एंगल कॉमन को डबल डैश कर दिया ना आपने, किसी को भी डबल डैश कर दिया, तो इनको डबल डैश कर दो, कॉमन को कॉमन रहने दो, या फिर कॉमन वाले को डबल डैश लिख दिया, ये ऐसे ही रहने दो। अब लिखने का तरीका देखो, सिंगल डैश के सामने वाली साइड कौन सी है, एडी। मैंने तो वहां देखा भी नहीं क्या दिया, यहां सिंगल डैश के सामने वाली साइड कौन सी है, पूरी एसी। कभी गलती से ईसी मत कह देना, एसी इज नॉट अ साइड ऑफ ट्राइंगल, एसी इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल, एसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, तो इस 63 डिग्री के सामने एसी होगा, ऐसा नहीं सोचे, है ना, इस 63 डिग्री के सामने एसी है, राइट, नॉट एई, एई भी नहीं है, एसी है, एई छोटे वाले ट्राइंगल का है, हम बात कर रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल की, एबीसी, तो यहां एसी आएगा, ये सिंगल डैश का हो गया, डबल डैश, तो यहां से डी हो गया छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बीसी हो गया, फिर यहां पर क्या हो गया, एई हो गया, और इस वाले के लिए ए बी हो गया, क्या ये क्लियर है। अब आप देखें, आपको जो गिवन है डेटा लिख दिया, आपको ईसी चाहिए ना, मतलब ईसी के लिए ये साइड तो अपने पास कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ईसी का मतलब हो गया मुझे ए सी भी चाहिए और मुझे ए ई भी चाहिए, बहुत ध्यान समझिएगा, मुझे ए सी भी चाहिए और मुझे ए ई भी चाहिए, तो ए सी में से ए ई घटा दूंगा, ए ई तो मेरे पास है, एसी मुझे निकालना है, मतलब इस लाइन की मुझे रिक्वायरमेंट है, ये बात कंफर्म है। डीई और बीसी दोनों ही दिए हुए, एई और एबी दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों लाइंस को ले लीजिए, एडी 4, एसी मुझे कैलकुलेट करना है, एई 5, एबी 12। अब ये जरूरी नहीं है कि आपस में ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए, जैसे नहीं हुआ, एसी बराबर 48/5, 9.6। अब ये फटाफट बचा 9.6 पे टिक करता है, पहला ऑप्शन 9.6 ही होता है, अरे आपसे इसी पूछा है, एसी तो नहीं पूछा ना, इसी का मतलब हो गया 9.6 में से आपको ए ई लेस करना है, मतलब 5 लेस करना है, आपका हो जाएगा 4.6, ये हो गया, ये 4. कितना हो गया, 6 हो गया, कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चीजें समझते रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बीच में आती है, जैसे ये डायग्राम हमको दिख रहा है। अब यहाँ डायग्राम से नजर आता है, सर ये क्या है, एक तो कोऑर्डिनेटर है, एक ट्राइंगल है, सिमिलर कैसे लगाया गया, तो आप थोड़ा सोचो ना, इस कोऑर्डिनेटर को देख ही क्यों रहे हो, एक ट्राइंगल छोटा वाला और एक ट्राइंगल बड़ा वाला, इस छोटे बड़े ट्राइंगल को तो ध्यान से इस बार करना आपको है, मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो समझ नहीं है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। देखो ये एकदम सीधी लाइन है ना, ये पूरा एंगल 180 होगा इस लाइन के ऊपर, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि 90 का साइन होता है, सही है ना। अब देखिए ये 90 है तो ये भी 90 है, मतलब उसमें गिवन है, मैंने अपने मन से नहीं लिया। ये एंगल कॉमन है या नहीं है, एंगल कॉमन है, देखो यहां कर रहा हूं सिंगल डैश, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब ये एंगल कॉमन है तो इसको बराबर होना पड़ेगा, ये डबल डैश और इसको कॉमन हो, कॉमन जो है। अब आप अपने लेवल पर साइड्स का रेशियो लिखेंगे और डीई की वैल्यू निकालेंगे। देखो जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक सिमिलर नहीं समझ में आएगा, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें दे रखा है दो ट्राइंगल है, देखिए ये 90 डिग्री है और यहां से एक लाइन आ रही है 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या है, मैं आपको भले ही समझा देता हूं, अभी देख लीजिए आप, कुछ तो चीजें अगर आपको ध्यान रहती है तो मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में अपनी कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम और कहीं से नहीं आई है, अगर आप थोड़ा देखो दिमाग आप ही लगाना, या मैं लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो समझिएगा, ये एंगल मेरा एक्स है, ये 90, ये एक्स, पूरा ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, राइट, एंगल्स का, ये 90 है तो बचे दोनों का सम 90 होगा, ये एक्स है तो ये वाला होगा 90-x, राइट। चलिए ये पूरा 90 है, कंप्लीट 90, ये 90-x है तो ये कितना हो गया, एक्स हो गया,
ये 90 हो गया, 90x तो ये वाला कितना हो गया 90-x। अब तीन ट्राइंगल है यहां पर, दो छोटे पहला दूसरा और तीसरा बड़ा, देख रहे तीन ट्राइंगल, पहला दूसरा और तीसरा है कंप्लीट। ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है क्योंकि तीनों ट्राइंगल के एंगल क्या है, एक्स 90-x 90, x 90-x 90, बड़े वाले देख लीजिए एक्स 90-x, मतलब तीनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं वो और कहीं से नहीं आई है, सिमिलर को जब अप्लाई किया जाएगा वहीं से ये चीजें आई है। लेकिन ये डायरेक्ट जब याद रखते हैं तो हमारे क्वेश्चंस थोड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। राइट, याद क्या रखना है, चलिए अब एक नया डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ए बी सी, ए के सामने ए लिखते हैं, बी के सामने बी, और ये आप सी, एक्स वाई एन जेड, इस पॉइंट के ऐसे, ये है ना, इनके तीन के रिलेशन है, बी एक्स और ए, इन तीन का रिलेशन किस प्रकार है, बी बी स्क्वायर बराबर सामने वाली भुजा वाई इंटू सी, सेम चीज ए स्क्वायर बराबर जेड इंटू सी। अब आपको सर कहां से आया, सिमिलर से आया, आप सिमिलर अप्लाई कर लीजिए, ये आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो जितना अप्लाई कर पाओगे उसका एक फायदा है, इन केस ये याद नहीं रहा तो कम से कम आप अप्लाई करके वह आंसर तो निकाल सकते हो ना एग्जाम के अंदर, ये गलत भी याद रह गया तो एक कॉन्फिडेंस होना, मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप में तब आता है जब उन चीजों का बेसिक भी अपन को पता हो, जब पता चले सर मैं गलती कर ही नहीं सकता तब कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा वाई इंटू जेड, इन तीन का आपस में रिलेशन भी है बी एक्स और ए का, वो रिलेशन क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन कैसा आता, मतलब संख्या में नहीं आएगा, बी और ए दे रखा है एक्स निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट आपको मतलब ये एक्सप्रेशन मिलेगा, वहां ए लिखाओ एक्स लिखाओ बी लिखाओ मैं नहीं जानता, लेकिन डायरेक्ट एक्सप्रेशन दो से तीन बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राइट, ये मैंने बता दिया। अब वापस आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्या डायग्राम वही है, राइट एंगल ट्राइंगल, और वहां से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, समझ रहे हो ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैंने ऐसे मोड़ लिया और राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने सामने वाली साइड के ऊपर एक और राइट एंगल ड्रॉ किया, हाइपोटेनियस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस ही होती है। अब हमें जो दे रखा है जैसे ये बी सी डी और ए, बी सी इज 5, ओके, ए बी निकालना है, बी डी इज 4, देखो ये 4 है तो ये 3 हो गया, इसमें तो कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। ए बी और ए सी, देखो ए बी मुझे कैलकुलेट करना है, ए सी मुझे कैलकुलेट करना है। अब आप कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम रहता है कि सर मेरे दिमाग में डायग्राम रहता है और यहां से मैं जल्दी निकाल लूंगा, तो आप देखिएगा बी यहां पर है, ए आप ऊपर मान लीजिए, सी यहां मान लीजिए और डी यहां मान लीजिए, बी सी इज 5, सी डी इज 3, बी डी इज 4, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 4 का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, क्या यहां से ए डी आ जाएगा 16/3, पहली बात तो ये आ गया, दूसरा धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा, हमें ए सी पूछा गया, एक तो ए बी पूछा गया है, ए बी का मैंने क्या बताया था ए डी इंटू ए सी, राइट, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, नॉट सी डी, ए डी इंटू ए सी। अब ए सी कितना होगा, 16/3 + 3 = 9/25/3, तो ए डी इज 16/3, ए सी इज 25/3, अगर मैं ए बी निकालूंगा तो 4/5 = 20/3 आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई ए डी की 20/3। इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा, आप सिमिलर लगा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सिमिलर कैसे लगाना है, देखो अगर मैंने बता दिया सिमिलर कैसे लगाना है, सच्ची बता रहा हूं आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको आंसर पता है। आज मैंने ये डायग्राम बना के दे दिए, ये एक ट्राइंगल ले लीजिए,
ये देखो मैं यहाँ बताता हूँ, एक ट्राइंगल ये ले लीजिए लेफ्ट वाला, एक ट्राइंगल बड़ा वाला ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कभी एक ट्राइंगल छोटा और बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा और दोनों छोटे, फिर ये ट्राइंगल आपको वैसे पूरा गिवन, तीनों साइड्स गिवन है, तो लेफ्ट तो लेना ही है, साथ में बड़े वाले को लेना है छोटे वाले को लेना है, डिपेंड करेगा आपको साइड कौन से निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए बी पूछी गई है तो छोटे वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, भाई ये तो लेना ही है, इसकी तीनों साइड्स गिवन है। ए बी पूछा है तो छोटे वाले ट्राइंगल को लो, जैसे ए सी पूछा है, ए सी बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ बड़े वाले ट्राइंगल का सिमिलर लगेंगे। पहले तीनों साइड्स का रेशियो लिख लीजिए, आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा हमें किन भुजाओं को लेना होता है। मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ, आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ही एग्जाम पास होगा। श्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने समझाया था अभी, अगर इसको आपको लिखना हो समझाया मेरे को तो आप लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए अब ये क्वेश्चन है, अगेन वैसा ही कुछ नजर नहीं आ रहा गया, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी बोल दिया। अब देखो एक चीज आपको बताता हूं, समकोण त्रिभुज एबीसी बोलते ही आप सबसे पहले एबीसी यहां लिखते हो ना, ये सबसे गलत आदत है। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बोला है ये समझ में आता है मुझे भी कि ए बी सी वर्टेक्स पर लिखना है, लेकिन ए यहां बी यहां और सी यहां क्यों लिखना है? आपको कहीं बोला गया है क्या 90 डिग्री कहां पर है? सबसे पहला अपना फोकस होना चाहिए कि पता लगाओ कौन से वर्टेक्स पे 90 डिग्री है, या तो लिखा होगा 90 डिग्री कौन सा है, तो कुछ हिंट दिया होगा। देखो आपको बोला है बी सी इज द हाइपोटेनियस, बी सी कर्ण है, अगर बी सी कर्ण है तो ये पक्की बात है बी यहां सी यहां, चाहे बी यहां लिखो सी यहां लिखो ये इंटरचेंज आपस में चलेगा, लेकिन यहां एक कंफर्म हो गया ना कि ए यहां पर आएगा 90 डिग्री। चीज समझ में आई ना, जब भी आपको एबीसी 90 डिग्री बोला हो तो आप अपने मन से एबीसी नहीं लिखेंगे, आपको देखना है कि 90 डिग्री कहां पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, राइट। अब एसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबी, और दूसरी चीज हमें क्या देखा, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब मैंने देखो यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझा दी, पिछला वाला मैंने पूरा लॉजिक समझाया था, ये वाला ये पूरा इसी के ऊपर समझाया हुआ है ना, ये सी नहीं ये पॉइंट डी है और इस छोटी भुजा सी मानियो की, ये बी डी है, तो इसी के ऊपर समझाया हुआ है ना, तो आप इसको सॉल्व करो ना खुद ही अपने लेवल पर, क्या आपको समझ में आता है क्या नहीं आता है, ए बी सी एक्स वाई जेड माना हुआ कुछ काम नहीं आएगा, आपका लॉजिक क्या कहता है, कौन सी भुजा कैसे होनी चाहिए, वो चीज काम आएगी, आपको अपने आप करना है, राइट। चलिए आगे, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दो एंगल आपस से बराबर बोल रहे हैं, अब ये वाले दो एंगल आपस से बराबर है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूं तो क्या है आपको समझ में आ जाएगा, देखो करना आप ही को है, आप अगर हर क्वेश्चन आप हम पे छोड़ देते हैं, मैं आपको इतना समझा देता हूं कि जितना एक टीचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके लिए, जैसे टीचर की मेरे जीवन में इतनी ही जरूरत थी जितना वो समझा के चला गया, अब बाकी का दिमाग मुझे खुद को लगाना पड़ेगा, है ना। अब एक लाइन ये दे रखी सी बी, अगले ने क्या बोला, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बराबर बी सी डी मतलब इस वाला एंगल के बराबर। आप एक छोटी सी चीज को समझिएगा, एक ये एंगल चल रहा है ट्राइंगल छोटा वाला, ये एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल चल रहा है, आप देख लो ये वाला एंगल कॉमन है, डबल डैश लगा दो, ये एंगल कॉमन है, अब बचा कौन सा, इसमें तीसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये, क्या बराबर होगा या नहीं होगा, मेरा डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो मैंने ट्रिपल डैश भी लगा दिया, क्या अब आप सिमिलर लगा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिमिलर नहीं लगा सकता, इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में। आप तीनों साइड्स को लिख लीजिए, इन जो अपन को साइड्स गिवन है उनको लिख दीजिए, आपका बीसी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, सॉरी आपका बीसी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया डायग्राम एकदम क्लियर है, चलता आगे। अब ये वाला तो मैं नहीं कराऊं तो ठीक है, एडी अपॉन डीबी आपको गिवन है, बीसी आपको गिवन है और डीई है, एक चीज यहां लिख लीजिए डीई इज पैरेलल टू बीसी, इट्स बेटर, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, एडी अपॉन डीबी गिवन है, बीसी गिवन है, डीई निकालना है, डीई इज पैरेलल टू बीसी मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से लिख लीजिए, डीई आप निकालिए, ये आपके लिए होमवर्क है, और बहुत सारे आज होमवर्क ही थे वैसे भी, लेकिन ये भी होमवर्क है। होमवर्क का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि देखो पिछले वाले क्वेश्चन है आपने उसमें से किसी का आंसर नहीं निकाला और आगे बढ़ गए, तो ये आपने बहुत गलत किया,
ये नहीं करना चाहिए कभी। हमें वीडियो को पूरा देखना हमारा अगर एकमात्र यही लक्ष्य है तो गलत है। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो उसी समय सॉल्व करने हैं। अगर मैंने पिछला वाला क्वेश्चन जो भी आपको दिया, इसका मतलब कि आपको सॉल्व हो सकता है, उसका लॉजिक मैंने पहले बता दिया, इसीलिए दिया था क्वेश्चन को, तो आप उस समय हाथों हाथ सॉल्व कर लीजिए। नहीं हो रहा था, बस पिछले वाले पे जाइए, मैं कहां मिस कर रहा हूं या कहां मां मिस कर रही हूं, यहां से आपका इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो बिना पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए सारे, तो गलत है, फिर नहीं होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना बहुत, कल फिर मिलते हैं, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।